तो 9 मई को मैं एक रूटीन मीटिंग से निकला, तो मेरे साथ काफ़ी लोग थे, गनमैन भी थे। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मुझे किसी ने गर्दन से पुश किया, मैं नीचे गिर गया। जैसे मैं नीचे गिरा तो मैंने गन शॉट्स मुझे सुनाई दिए, और मैंने देखा मेरे दो गार्ड्स को फायर लगा और नीचे गिर गया। और फिर मुझे लगा कि मुझे मारने के लिए आए हैं, मुझे किडनैपिंग का मेरे जहन में नहीं था। तो मैं लेटा हुआ था, तो किसी ने मेरे सर पे गन मारी, सर के ऊपर, तो मेरा सर फट गया। तो और उसने मुझे गर्दन से पकड़ के गाड़ी में डाला, और गाड़ी में मुझे डाल के, तकरीबन 6 लोग थे, और जैसे ही मुझे गाड़ी में डाला तो उनको दे थॉट आई वॉज बग्ड, तो उन्होंने मेरे कपड़े शपड़े उतारे, जूते उतारे, बाहर फेंकते रहे जूते और शर्ट। तो कपड़े आपके उतारे हाँ, उनके। कपड़े उतारे। तो रास्ते में उन्होंने सबसे पहले जब मुझे उन्होंने लिटाया तो मेरे से सवाल किया कि तो आप शिया हो या सुन्नी हो। तो आई थॉट कि अब ये से कोई सेक्टेरियन सा थिंग है। मुझे ये भी अंदाज़ा था कि जैसे मुल्तान से हम निकले तो हम खानवाल की तरफ जा रहे थे, तो आगे से मैं देख रहा था पुलिस मोबाइल आ रही थी खानवाल से मुल्तान की तरफ, पट्टी आंखों पे नहीं बांधी पट्टी उन्होंने आंखों में कुछ। नहीं बांधी, और मुझे वो लेके सीधा फैसलाबाद चले गए। एक छोटा सा घर था, उसमें मुझे अंदर ले गए और बिठा के उन्होंने मेरे पट्टी की सर पे, और मुझे उन्होंने कहा कि हम अलकायदा से हैं। तो उन अशखास ने कुछ तारुफ करवाया अपना कि कौन है? पाकिस्तानी थे? अच्छा। मुझे पता लग रहा था वो रास्ते में पंजाबी में बात कर रहे थे, पंजाबी लड़के थे, सारे पंजाबी थे। और कुछ नहीं बताया कि क्यों आपको लेके जा रहे हैं, क्या नहीं, मकसद रास्ते है? में कुछ नहीं बताया। जब मैं वहाँ घर पे पहुँचा तो फिर उन्होंने मुझे हमें कहा कि हमने आपको किडनैप किया है क्योंकि आप यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, और आपकी हुकूमत ने के अंदर अलकायदा के जो लीडर हैं उसामा बिन लादिन, उनकी असैसिनेशन हुई, और वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, सवात में ऑपरेशन हुआ, तो आप हमारे दुश्मन हैं। ये बताएं कि आपको मुल्तान से वो ऑल द वे फैसलाबाद लेके गए, तो रास्ते में कोई पुलिस चौकी, किसी ने चेकिंग, नहीं, कुछ रास्ते नहीं? में कोई कोई पुलिस पुलिस चौकी चौकी, नहीं थी। किसी ने कोई नहीं नहीं, रोका, कोई पूछा नहीं नहीं। आईडी कार्ड? तो फिर फैसलाबाद से आगे क्या कहानी, कहाँ लेके गए आपको? उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डील हो गई है तो, और 2 महीने में आप इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाओगे, और आपको हम उधर लेके जाएंगे वज़ीरिस्तान, और वहाँ से आप 2 माह में आप रिलीज़ हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये मुझे वो इसलिए कह रहे थे कि रास्ते में मैं कुछ ऐसा ना करूँ। मैंने मुझे बुरका पहनाया हुआ था, मेरे साथ 2 लोग थे, उन्होंने भी बुरका पहना हुआ था। और जैसे ही हम वहाँ से निकले उस घर से, तो 10 मिनट के बाद एक बहुत बड़ी बेस थी, मेरे ख्याल में एयर बेस थी, तो एयरफोर्स की बेस थी, वहाँ से जब उन्होंने क्रॉस किया तो उन्होंने पहले बताया हुआ था, मैं सुन रहा था, कि अगर यहाँ पर किसी ने रोका और आईडी कार्ड मांगने की कोशिश की या सर्च करने की कोशिश की तो वो वहाँ से, वहाँ पर मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। तो ये फैसलाबाद से सफ़र आपका जो था वज़ीरिस्तान तक, उसमें भी किसी ने कोई नहीं, रोका नहीं? उस जैसे हम मोटरवे से बनू की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में तकरीबन 10 चेक पोस्ट आई थी फ़ौज की, पाकिस्तान आर्मी की, बड़ी बड़ी चेक पोस्ट थी। एक दो दफ़ा उन्होंने आईडी कार्ड भी दिया लेकिन किसी ने गाड़ी सर्च नहीं की। मतलब फेस देखने की नहीं नहीं कोशिश नहीं नहीं क्योंकि की? पीछे जब हम उसके बुरके में बच्चे थे तो शायद बेचारे इसलिए तो उनका, आईडी कार्ड किसी खातून का उनको नहीं नहीं दिखा आईडी रहे थे कार्ड आपको? उनको जो ड्राइवर था वही दिखा रहा था अपना, अच्छा, बाकी अंदर के मुसाफरों की वो कोई मुसाफरों की चेकिंग कोई नहीं कर चेक रहे नहीं थे? कर रहे। अच्छा, ये बताएं कि फिर वज़ीरिस्तान में कितना अरसा गुजारा आपने? मैंने वज़ीरिस्तान में इनिशियली दत्ता द्रपा खेल का इलाका था, वहाँ पर 7 मंथ्स का मैंने वक्त गुजारा अलकायदा के साथ। वहाँ पर भी पंजाबी थे, वहाँ पर भी पंजाबी थे, और उनके पास एक और भी कैप्टिव था, वो जर्मन सिटीज़न था। तो कैसा सलूक था उनका आपके साथ? सख्ती करते थे क्या? सख्ती करते थे लेकिन कोई टॉर्चर, फिज़िकल टॉर्चर नहीं किया उन्होंने मुझे, फिज़िकल टॉर्चर नहीं किया लेकिन सख्ती तो थी। आई वॉज़ चेंड, मुझे मेरे साथ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी हर वक्त मेरे पाँव में चेन होती थी और बांध के रखते थे, और टॉयलेट जाने में ज़रा मुश्किल होता था, वॉक नहीं करने देते थे। और जब मैं ऊपर गया वहाँ पर भी एक बहुत लंबी सी चेन थी, वहाँ पर तो सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए मुझे चेन उतारते थे। और ये अलकायदा के साथ जब मैं रहा तो तकरीबन 2 साल तक मैं चेन में ही रहा, मुस्तकिल चेन में रखा मुस्तकिल उन्होंने चेन में आपने? रखा। रात को सोते वक्त कभी कभी वो हाथ में भी चेन लगा देते थे। तो फिर उनके पास कितना अरसा रहे आप? उनके पास में 14 महीने, अच्छा, तो ये डेट्स कैसे आपको याद रही वहाँ? मैं बहुत डायरीज लिखता था वहाँ पर, हर वक्त मेरे पास डायरीज होती थी तो मैं लिखता था, लेकिन जब भी मैं मूव करता था ना एक जगह से दूसरी जगह या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप, तो वो पुरानी डायरी जो थी वो जला देते थे। लेकिन आप लिखते रहे? मैं मैं लिखता लिखता रहा रहा क्योंकि आप मैं इसलिए लिखता था क्योंकि मेरे पास एक तो कुछ करने को नहीं था, बुक्स थी थोड़ी बहुत पढ़ने की, लेकिन मैं लिखता इसलिए था कि मैं अपने हालात लिखता था सारे दिन का वो, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था
और मैं टाइमिंग को बड़ा चेत कर टाइम को बहुत चेत करता था, टाइम को लिखता रहता था, क्योंकि मैंने 14 महीने, 1 साल और 2 माह मैंने आसमान नहीं देखा, ना दिन को ना रात को। हाँ, तो वो अपने आप सैनिटी को कैसे सैनिटी को रखते थे? बरकरार रखने के लिए मैंने तो लिखता बहुत था। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने कमरे में ना, मुझे याद है, मैंने अपने कमरे में एक पेपर पे लिखा हुआ था कि विक्ट्री कम्स विद पेशेंस, जीत सब्र के साथ आती है। तो वो मैं हर वक्त सुबह उठ के वो पढ़ता था, अपने आप को रिमाइंड कराता था।